यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग और आरटीए विभाग की टीम बेहद चुस्त नजर आ रही है। आज दोनों टीमों ने ज्वाइंट ऑपरेशन के करीब 10 वाहनों को चेक किया। 8 अंडर लोड पाए गए, 2 को भारी जुर्माना लगाया। रादौर हलके के जठलारा में सीएम फ्लाइंग की टीम ने ओवरलोड वाहनों पर रेड की। इस दौरान 10 ओवरलोड ट्रकों को रोका गया। आरटीए की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। गाड़ियों को कांटे पर लगाया गया, जिसमें 8 गाड़ियां अंडर लोड मिली जबकि 2 गाड़ियां ओवरलोड मिली। एक वाहन से 63,000 तो जुर्माना वाहन से 71,000 जुर्माना वसूला गया। इनमें से एक वाहन कार सेवा की सामग्री ले जाता हुआ भी पाया गया, जो कि ओवरलोड था। उस वाहन को भी इम्पाउंड किया गया। इस दौरान सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर दिनेश कुमार और सुरेंद्र रेड्डी मोटर व्हीकल ऑफिसर के द्वारा इस कार्रवाई को अमल में लाया गया। उन्होंने वाहन मालिकों से खासकर अपील की कि वाहनों को ओवरलोड ना चलाएं। इससे न सिर्फ दुर्घटनाओं के ज्यादा वाहन दुर्घटनाएं होती हैं, बल्कि लोगों की जान माल को नुकसान भी होता है। इस तरह की कार्रवाई आरटीओ और सीएम फ्लाइंग द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर हफ्ते में 2 बार की जा रही है। इस ऑपरेशन का असर है कि जिले में ओवरलोड वाहनों पर लगाम लगाने के लिए सभी विभाग तत्पर हैं और काफी हद तक इसमें कामयाब भी रहे हैं। सुबह सीएम फ्लाइंग की रेड जठलाना और रादौर एरिया में सुबह 5 से 6 बजे के करीब रेड हुई थी, जिसके दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम के द्वारा और इंस्पेक्टर दिनेश के माध्यम से 10-15 ओवरलोड ट्रकों को रोका गया था। और उसके बाद हमें मौके पे रादौर बुलाया गया, जिस पे हमें जाने के बाद हमने उन 10-12 ट्रकों का कांटा करवाया, कांटे पे लेके गए, जिसमें कि 10 ट्रक थे उनमें से 8 ट्रक अंडरलोड पाए गए, जिनके कांटा पर्ची हमारे पास उपलब्ध हैं, और 2 ट्रक ओवरलोड थे, जिससे कि एक ट्रक में 21 टन ओवरलोड था और एक में 25 टन ओवरलोड था, जिनसे 63,000 और 171,000 रुपये जुर्माना वसूला गया और उनको उसी टाइम इम्पाउंड कर दिया गया था। और इंस्पेक्टर दिनेश कुमार जी द्वारा बताया गया, इनमें से एक व्हीकल जो कि गुरुद्वारा कार सेवा से संबंधित था, पर उसमें भी 21 टन ओवरलोड था, जिसको इम्पाउंड कर दिया गया था। और इसी तरह की कार्रवाई हफ्ता महीने में 2-3 बारी सीएम फ्लाइंग की रेड के द्वारा की जाती है, जिससे कि काफ़ी हद तक ओवरलोड पर लगाम लग गई है। क्योंकि तकरीबन गाड़ियों को हम जब पकड़ते हैं और उनको कांटा करवाते हैं तो अंडरलोड गाड़ियां ज़्यादा पाई जाती हैं, और यही कार्रवाई हमारी 24 घंटे टीम रोड पर रहती है और ओवरलोड के ऊपर पूरी सख्ताई से कार्य किया जा रहा है। इसी पिछले महीने भी इस कार्यालय के द्वारा कम से कम 2 करोड़ से ऊपर ही ओवरलोड के रिगार्डिंग जुर्माना वसूला गया है, और टाइम टू टाइम इसके रिगार्डिंग सेमिनार भी लगाए जाते हैं। पासिंग के दौरान भी आरटीए मैडम के द्वारा वाहन स्वामी को जानकारी दी जाती है कि आप अंडरलोड चलें, इससे आपकी गाड़ी को भी नुकसान नहीं होगा, सड़कों को भी, और एक्सीडेंट में भी काफ़ी हद तक इसमें रुकावट होती है, जान माल की हानि से बचाव होता है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।